Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Mariam and yes, today I am going to share with you all a very exciting trip of my family to Laguna Water Park in Dubai. Let me tell you, the entry ticket of Laguna Water Park is $81.45 for a child and $81.95 for an adult. I will also show you a glimpse of myself getting ready for the trip, like my makeup, my dressing. You will also enjoy the journey to Laguna. So if you want to know about Laguna Water Park and have some fun watching me in my funny moments, keep watching this video. Assalamu alaikum guys. तो आज हम वाटर पार्क जा रहे हैं, बहुत गर्मी है. ये वाटर पार्क है दुबई लगूना वाटर पार्क. गर्मी बहुत है, मुझे नहीं पता कि कितना टैन होने वाली हूँ, लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो हमने सोचा कि एक वाटर पार्क का ट्रिप लगा लेते हैं. तो बस मैं तैयार होने लगी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बहुत लाइट मेकअप करना है, बहुत सारा सनस्क्रीन लगाना है टैन से बचने के लिए, और उसके बाद फिर निकलते हैं. मैं आप लोग को दिखा दूँ इस वक्त मेरे रूम की हालत क्या हो रही है. डाइनिंग बोर्ड को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो कुछ भी आयरन करने की ज़रूरत पड़ सकती है. देन लुक एट दिस लॉन्ड्री, आई हैव टू फोल्ड दिस क्लोथ्स वंस आई कम बैक. फिर ये बैग रेडी हुआ हुआ है और यहाँ पे मेरी मेकअप करते हुए तैयारी शुरू करने का सीन भी रेडी है. चले फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं. हस्बैंड ने बोला है आ रहे हैं, नो टाइम. इनकी लिस्ट का ही सन ब्लॉक लगाने वाली हूँ, ये मैंने नया लिया है. आई एम गोना पुट अ लॉट ऑफ इट. इसलिए मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज ये सन ब्लॉक जो है वो मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा. बिकॉज बेस भी हैवी बेस भी जो है वो आपके टैन को होने से बचाता है, तो मैं ये स्टिक फाउंडेशन लगा रही हूँ द ब्यूटी की, जस्ट इन केस, यू नो, लाइक डबल सिक्योरिटी. लग गई है, मैं लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी परफेक्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट माय फाउंडेशन. और एसेंस का ये पैलेट है पिंक ग्लिटर, इसमें बहुत सारे पिंक शेड्स हैं. पहले ये ट्रांजिशन शेड लगाऊंगी ताकि एक बेस क्रिएट हो जाए. आप देख सकते हैं बेस क्रिएट हो गया है और अब मैं लगाऊंगी वो जो पिंक शेड मैंने आपको दिखाया था, मोस्टली एट द आउटर वी का सब पिंक शेड मैंने लगा लिया है. और बिकॉज मैं पानी में रहूँगी तो आईलाइनर छूट सकता है, इसलिए मैं जेल आईलाइनर लगाऊंगी जो कि है मेबेलिन का ब्लैक कलर में विद एन एंगल ब्रश, क्योंकि जेल आईलाइनर जो है वो छूटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए पानी से नहीं छूटता. ब्रश के बॉटम से मैं आँख के अंदर वाटर लाइन में भी उसी जेल आईलाइनर को लगा रही हूँ और ऊपर टाइट लाइन में भी. नथिंग इज गोइंग टू वॉश ऑफ. लाइनर लग गया है, मैं लगा रही हूँ सेफोरा का साइज अप मस्कारा. बिकॉज ये वाटरप्रूफ है तो ये वॉश ऑफ नहीं होगा और मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आज इसको कर नहीं किया, लेकिन मसाला इतना जबरदस्त है कि कर करने की जरूरत नहीं. आप दे देते हैं फेस को डायमेंशन कॉन्टोरिंग से. ये कॉन्टोर शेड है और ये रिमेल का स्कल्पटिंग किट है, फेस स्कल्पटिंग किट, यू कैन सी. और फिर ब्लेंड कर लूँगी, ज़्यादा बहुत मेकअप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो कि मैं कहाँ जा रही हूँ. वाटर पार्क मोस्ट ऑफ इट इज नॉट स्टे एक्सेप्ट माई लाइनर थिंग. मैं बहुत जो इस नोहा ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये वाला शेड लगाऊंगी जो कि मेरा फेवरेट है. आई लव ब्लशेस, जो ये पीचिश पिंकिश सी टोन आपके फेस पे आती है, आई जस्ट लव इट. एंड माय नोज, आई लव ब्लश ऑन माय नोज आल्सो. हाइलाइटर लगा लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू पुट आवर लिपस्टिक एंड आई विल बी डन. लाइटर मैं ये यूज़ कर रही हूँ रिमेल के पैलेट में से. पिंक कलर की लिप पेंसिल है, आई थिंक फॉर एवर 52 की, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मुझे ना प्राइस याद है ना नाम. फिल करूंगी लिप्स को, मैं ये मैट लिपस्टिक है सेफोरा की, ताकि ये मेरे मास्क के ऊपर भी ना लगे. ब्यूटीफुल पिंक शेड. और मैं मेकअप करते हुए जल्दी जल्दी मैं अपनी आईब्रोज को शेपिंग करना भूल गई हूँ, आई मीन डिफाइन करना भूल गई हूँ. वाइकॉन का ये आईब्रो पेंसिल है जो कि जेल पेंसिल है. मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ, मैक फिक्स प्लस. ऑलराइट गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक जो मैंने अपने आप को रेडी किया है फॉर द वाटर पार्क. ये थोड़ी सी चेहरे को बचाने के लिए धूप से मैंने हैट लगाई है, अच्छी भी लग रही है. चलें बस पे मेरी फैमिली वेट कर रही है, हम निकलते हैं. रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पहुँच के बनाऊंगी और बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. विश मी लक, सी यू, बाय. रेडी गाइस, इन फ्रंट ऑफ द लिफ्ट हेडिंग टुवर्ड्स द कार, से समथिंग नाउ. हाय. हम निकल गए हैं गाइस घर से और अब जा रहे हैं लगूना वाटर पार्क की तरफ. बाहर तो बहुत गर्मी है गाइस, लेकिन गाड़ी में मजे हैं, एसी चल रहा है. वो
देखिए मेरी बेटी पीछे मुझे पा रही है। पहुंच गए हैं, पीछे मेरी बेटियां हैं एंड बस मैं टिकट काउंटर पे जा रही हूं, वहां से टिकट कलेक्ट करूंगी एंड देन वी विल बी इनसाइड द लगुना वाटर पार्क। दिस इज हाउ इट लुक्स अराउंड इट, वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। ये पूरी जगह ही बहुत प्यारी है, डाइनिंग एरियाज हैं, एक्टिविटी एरियाज हैं, स्नैक बार्स हैं, कैफेज हैं, और बस देखना ये है कि लगुना वाटर पार्क किधर है। Here you go, ये है लगुना वाटर पार्क का टिकट काउंटर और मैं यहाँ से अपने टिकट्स कलेक्ट करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू गो इनसाइड। देखते हैं अंदर कितना क्राउड है। हाय गाइस, तो ये देखें हमने लॉकर ले लिया और ये हमारा बिल है, ये हमारे टैग्स हैं जो हमने अपने हाथों में पहनने और अब हम अंदर जा रहे हैं। दिस इज टीना गाइस एंड शी इज असिस्टिंग अस टू वेयर आवर टैग्स। दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। I'm waiting for my husband and then we'll be going inside. So we have come inside the water park now and this is how it looks from inside. These are the 5 interconnected slides jinhe hum explore karenge kuch der mein. My daughters can't wait to go inside. Lekin pehle hum apni belongings ko locker mein rakhenge so that they can be safe. These are the lockers where we'll keep our belongings. बकेट है जिसके अंदर पानी भरने वाला है थोड़ी देर में और फिर ये पूरे हमारे ऊपर स्प्लैश करेगी। पीपल आर हैविंग फन, इट्स अ लवली प्लेस टू बी एट। इट इज अबाउट टू टंबल ऑन अस। हियर यू गो गाइस। तरफ जा रहे हैं, मेरी बेटियां मुझे फोर्स कर रही हैं कि मुझे जो खतरनाक वाली स्लाइड है उनके भी बैठना है एंड आई एम रियली स्कैर्ड, आई डोंट वांट टू गो ऑन इट, सो आई विल बी जस्ट टेकिंग द वन फॉर फैमिली ताकि साथ में बच्चे और हस्बैंड भी हो। आई जस्ट शो यू दिस, दिस इज द वन विच लुक्स रियली हॉरिबल एंड स्कैरी।
तो हमें जाने लगे ऊपर, देखेंगे कौन सी स्लाइड पे मैंने एडवेंचर करना है। फैमिली इज मोर एक्साइटेड देन मी, दे कांट जस्ट वेट, सो दे आर अप। फ्लाइट पे जाने का वेट कर रहे हैं गाइस, और यहाँ से मंजर इतना हसीन है, ब्यूटीफुल। मैंने कहा आप सब लोग को दिखाऊँ, ये बीच है, ओपन बीच, लमेर ओपन बीच, और हम तो खैर वाटर पार्क में है अभी। दिस इज़ द ओपन बीच। वाओ, आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली आई फील रियली गुड कि मैं आई हूँ आज यहाँ पे। इतना प्यारा मंजर, जस्ट फील लाइक जंपिंग इन टू दिस वाटर, ऑल्दो आई डोंट नो स्विमिंग बट आई लव वाटर। Flight, how was the flight, Rama? It was really fast. I enjoyed it. You enjoyed it, or you were scared? Yeah, I was scared and I was trying to enjoy it. Room is so classy, made. It feels like we are in a museum. Look at that. This is a washroom. Sky is amazing. But of course, it smells like washroom. भूख से हमारा बुरा हाल है, तो हमने ले लिया है कुछ खाने पीने के लिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, दिस इज़ मार्गरिटा पिज़्ज़ा, दिस इज़ पास्ता विद बोलोनेज़ सॉस एंड फ्रेंच फ्राइज, दिस इज़ माय क्यूटी पाई। ऑलराइट गाइस, अब मैं लेजी रिवर में आ गई हूं एंड जस्ट फ्लोटिंग अराउंड ऑन अ फ्लोटी, सो मच फन, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ वेयर आई एम राइट नाउ। ये देखें मेरे बच्चे कितने शरारती हैं, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, लेकिन देखें हरकतें देखें। अब हम पूल की मजे ले रहे हैं भाई। गाइस, लगुना वाटर पार्क इज एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चलना ज़्यादा नहीं पड़ता है, जस्ट है एवरीथिंग इज सो क्लोज बाय टू ईच अदर, और इतनी मजे की अमेजिंग अमेजिंग एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, वी जस्ट इन्जॉय टू मच। जो थोड़ी बड़ी क्रिटिकल राइड्स हैं वो पाँच हैं, उसमें से मैंने तीन की हैं, दो मुझे बहुत ड्रॉनी लग रही थी तो मैंने नहीं की, और उसके अलावा लेजी रिवर वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। टाइम होता तो मैं और जब उसमें गुजारती हूँ। वी हैव कम टू अ जनरल पूल जहाँ पे आप स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो स्विमिंग बट मैं फिर भी पानी के अंदर एंजॉय कर रही हूँ। गोइंग बैक गाइस, डन विद द वाटर पार्क ट्रिप, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी नाइस। मेकअप मेरा अभी तक लगा हुआ है, बस अब गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। ये मेरी आ गई लाल वाली गाड़ी, हॉर्न बजाना शुरू भी कर दिया, आ रही हूँ आ रही हूँ। तो हम फारिग होके अब घर जा रहे हैं, वी आर डन। इट इज़ अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग ओवर हियर। बहुत मज़े का ट्रिप था, बहुत इन्जॉय किया। आई लव दिस सॉन्ग। ऑलराइट गाइस, हम घर आ गए हैं, और देखेंगे मेरे नेचुरल वेव्स हैं जो बाल गीले होने की वजह से बन गए हैं अभी। आई एम गोइंग टू रिमूव माई मेकअप जो आँखों पे लगा हुआ है, लिपस्टिक भी हल्की पुल्की रह गई है, और फिर आई एम गोना चेंज एंड फीलिंग रियली टायर्ड। चाय पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। द डे वॉज नाइस, लगुना वाटर पार्क एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। जो लोग दुबई में रहते हैं और अगर नहीं गए हैं तो अभी भी टाइम है, इट्स अ गुड चांस टू गो टू लगुना बिफोर द वेदर चेंजेस एंड हैव फन ओवर देयर। मुझे तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगी, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी नाइस, एंड आई जस्ट इन्जॉयड मेकिंग दिस वीडियोज़ फॉर यू ऑल एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। मेरी पिकनिक का मज़ा दुबाला हो गया आपके साथ शेयर करने के साथ की वजह से। इट वॉज रियली फन, मेरे बच्चों ने भी इन्जॉय किया, एंड नाउ दे आर एक्साइटेड टू सी द होल कंपाइल्ड वीडियो विच आई एम गोना मेक सून एंड अपलोड ऑन यूट्यूब।
और फिर आप लोग के कमेंट्स का वेट करूँगी। तब तक के लिए, जब तक कि वीडियो अपलोड होती है और कोई नया एक्सपीरियंस होता है, मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।